खाते हो? अंदर कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मुमानी जान वापस आ गई? तमीज से बात करो हातिम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नुमान। मतलब जो इंसान पूरे खानदान को एक साथ लेकर चलने की बातें करता था वो अपनी माँ को नहीं रख सका। हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत दो तो ज्यादा बेहतर होगा। घर? कौन सा घर राहिला? ये तो तुम्हारे आने से पहले घर था, जहां पर मोहब्बत थी, प्यार ही प्यार था, दूसरों के लिए खुलूस ही खुलूस और हमदर्दी ही हमदर्दी। लेकिन तुम्हारे आने की वजह से ये घर जहन्नम बन चुका है। तुम हद से बढ़ रहे हो आदम। हदे तो ये बहुत पहले ही पार कर चुका था, आपको अब अंदाजा हो रहा है? मैंने तुम्हें अपना भाई समझा, क्या किया तुम मेरे घर की इज्जत को? इस तरह तमाशा बना रहे हो? तमाशा? तुम्हारे घर की इज्जत को तो तमाशा बनाया ही नहीं मैंने, और शायद यही गलती की है मैंने। अब भी सोमिया ने इसे आग लगाकर भेजा होगा, जरूर मुमानी ने सोमिया से रابطہ किया होगा नुमान। अच्छा, आग किसने कहां कहां लगाई है ये सिर्फ खुदा देख रहा है राहिला। और जब खुदा खामोशी से देखता है ना, तो इस ढील को अपनी मौलत समझ लेनी चाहिए, अपनी फतह नहीं। अपनी जबान को काबू में रखो हातिम, ये कोई तरीका नहीं है राहिला से इस तरह बात करने का। देखो नुमान, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि मुमानी जान मेरे घर पर है, और अगर आज रात नींद ना आ सके ना, तो बस ये सोच लेना कि जो भी इंसान अपनी माँ का दिल दुखाता है ना, उसे सुकून ना जमीन के ऊपर मिलता है और ना जमीन के नीचे। देखो तो सही, माँ की अजमत पर कौन दर्द दे रहा है जिसने सारी जिंदगी अपनी माँ का दिल दुखाया है। हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी अम्मी के साथ मेरे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाया। अनुमान, उनके हर हुक्म को माना जरूर है, चाहे दिल से ना माना हो मैंने। लेकिन तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो यार, इस एहसान फरामोश लड़की की खातिर तुमने अपनी जन्नत को ठुकरा दिया। एहसान? कौन सा एहसान, और किसने मुझ पर एहसान किया जो तुम मुझे एहसान फरामोशी के ताने दे रहे हो? सोमिया, सोमिया ने एहसान किया, मुमानी जान ने एहसान किया, मैंने एहसान किया कि तुम्हारा घिनौना रूप आज तक इसके सामने नहीं आया। देख रहे नुमान, इसकी इतनी जुरत कि ये मुझसे इस तरह बात करेगा?